नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप किस तरह से अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर जनरल स्टडी से रिलेटेड, उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं मैं। और इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और अपने प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कि आपके प्रिपरेशन का क्या लेवल चल रहा है। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जिसे आप ज्वाइन कर करके और भी अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी वीडियो के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में नीचे, जिसे आप देख करके प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन। नॉर्थ स्ट्रीम 2 इज अ गैस पाइपलाइन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्री। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जा रहा है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बारे में पूछा जा रहा है। एक ये गैस पाइपलाइन है और आपको ये बताना है ये कौन सी दो कंट्री के बीच में ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये रशिया और फ्रांस के बीच में ये गैस पाइपलाइन है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि रशिया और जर्मनी के बीच में ये गैस पाइपलाइन है। और ऑप्शन सी के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि जर्मनी और स्वीडन के बीच में ये गैस पाइपलाइन है, जिसका नाम नॉर्ड स्ट्रीम 2 रखा गया है। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि स्वीडन और पोलैंड के बीच में ये गैस पाइपलाइन है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम सही आंसर, करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये है, ये जो गैस पाइपलाइन है रशिया और जर्मनी के बीच में। एक बार मैप में आप देख लीजिए इसकी लोकेशन कहाँ है। तो आपको मालूम ही है कि रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, लार्जेस्ट एरिया वाइज ये कंट्री है। और इसके जो अगर हम बिल्कुल वेस्ट में आ जाए, तो वेस्ट में इसकी लोकेशन देख लीजिए, जो फिनलैंड के साथ ये जो बॉर्डर शेयर करता है रशिया, उसके बॉर्डर के पास ये जो एरिया वेव वॉर्ग जो सिटी है इस कंट्री के अंदर, यानी कि वेस्टर्न रशिया के अंदर जो ये लोकेशन है, जो कि बाल्टिक सी से टच होता हुआ एरिया, यहां से ये गैस पाइपलाइन है और ये डायरेक्ट जाती है जर्मनी के अंदर। और जर्मनी के अंदर जो सिटी है ग्रिफ्सवाल्ड, इस सिटी के अंदर जाकर ये पाइपलाइन जुड़ जाती है, यानी कि बाल्टिक सी के अंदर ये गैस पाइपलाइन बिछाई गई है और ये पाइपलाइन जर्मनी और रशिया के बीच में ये पाइपलाइन है। बाकी डिटेल में और भी चीजें आप जान सकते हैं कि ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 का मतलब ये, पहले नॉर्थ स्ट्रीम 1 था, ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट नॉर्थ स्ट्रीम 2 रखा गया। यानी कि आप जो देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर का जो आप मार्क देख रहे हो, ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 या फिर आप बोल सकते हो नॉर्थ स्ट्रीम बोल सकते हो। और येलो कलर का जो डॉटेड लाइन है, ये एक और बिछाई गई जिसका नाम नॉर्थ स्ट्रीम 2 है। ये 1200 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, और ये बाल्टिक सी के थ्रू ये क्रॉस होता हुआ जा रहा है। अच्छा, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है इस टाइम कि इस पाइपलाइन के आने से तो बाल्टिक सी के अंदर जो इसकी जो कैपेसिटी है ले जाने की, वो अब इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आप ये बोल सकते हो इसकी जो कैपेसिटी है 110 बिलियन क्यूब मीटर पर ईयर हो जाएगी इस पाइपलाइन की कैपेसिटी, जिसकी वजह से ये न्यूज में और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लोकेशन वाइज आप देख लीजिएगा कि बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के पास ये स्वीडन फिनलैंड, ठीक है, और इधर आप जाए तो ये नॉर्वे, और इधर ये बाकी और भी कंट्री आप देख सकते हैं। यानी कि आपको ये सी भी देखना, सी को साथ कौन कौन सी कंट्री कवर कर रही है वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन भी रशिया का ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसे शॉर्ट में आप DFI भी बोल सकते हो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 आपके लिए ये है, स्टेटमेंट 2 आपके लिए ये है, और स्टेटमेंट 3 आपके लिए ये है। नीचे आपसे बोला जा रहा है कि भी आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग DFI ओनली प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये बोला जा रहा है ये शॉर्ट टर्म लोन ही प्रोवाइड करता है। देखिए वर्ड है ओनली, थोड़ा अलर्ट रहना है आपने। उसके सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट कैन ओनली बी प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, कि सिर्फ गवर्नमेंट ही DFI को प्रमोट करती है, ऐसा स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है। और स्टेटमेंट 3 में बोला जा रहा है DFI ऑफर लेंट एट लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, ये बोला जा रहा है ये फिक्स होता है, स्टेबल होता है और लो होता है, मतलब बहुत ज्यादा चार्ज नहीं किया जाता है,
ऐसा बोला जा रहा है, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड कंसीडरेबल सोशल बेनिफिट, यानी कि सोसाइटी की बेनिफिट के लिए और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम रखा जाता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो तीन स्टेटमेंट हो गया आपके पास, अब आपको बताने करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ओनली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब डिटेल में जान लेते हैं ये चीज होती क्या है। देखिए, किसी भी फाइनेंस स्ट्रेटजी, किसी भी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, ठीक है, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, और उसके अंदर तीन तरह की चीजों को डाला जाता है। एड, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके से टेक्निकल सपोर्ट या ग्रांट जो प्रोवाइड किया जाता है तो उसे आप कह सकते हैं फिर से एड का काम कर रही है, ठीक है। दूसरी आप ये बोल सकते हो कि पब्लिक सेक्टर को लोन प्रोवाइड करना, ये भी उसके अंदर आता है, यानी कि ये आप बोल सकते हो डेवलपमेंट बैंक वगैरह ये काम करते हैं जिसमें लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड जो है उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेवलपमेंट काम के लिए प्राइवेट सेक्टर जो काम करते हैं, यानी कि वो लोन इक्विटी और गैर बाकी कमर्शियल जो प्राइवेट सेक्टर चीजों में जो इन्वेस्ट करते हैं वो उस तरह की चीजें ये आती है डीएफआई के अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो डीएफआई होती है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट अमाउंट, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि एक तरह से कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जैसे कि नाम से क्लियर है डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूशन, ऐसा आप याद रख सकते हैं। यानी कि अब क्लियर हो गया कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट ही प्रोवाइड करती है, जबकि स्टेटमेंट वन में आपको बोला गया था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करती है, जो कि गलत है। और इसका जो रेट ऑफ रिटर्न जो होता है इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग और ये कुछ एक्टिविटी है जिसके अंदर ये लोन प्रोवाइड करती है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया हमारा गलत हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो जिसमें आपसे ये बोला जा रहा था कि सिर्फ गवर्नमेंट जो है ये इसके प्रमोट करने का काम करती है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर भी इसके इसको प्रमोट करने का काम करती है, यानी कि गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर दोनों ही डीएफआई के प्रमोशन ये प्रमोट करने का काम कर सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, यानी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए कि इसके अंदर जो आपसे बोला गया था इसमें जो लोन का जो रेट होता है वो लो रेट होता है और स्टेबल होता है ताकि डेवलपमेंट एक्टिविटी परफॉर्म की जा सके। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन के बारे में आपसे एक एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है जिसे शॉर्ट में FCRA बोला जा रहा है, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और नीचे आपसे यूजुअली जैसा पूछा जाता है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट रेगुलेट फॉरेन फंडिंग ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी फॉरेन फंडिंग होती है यानी कि बाहर से जो पैसा आता है उसको वॉलेंट्री ये क्या करती है, इस ऑर्गेनाइजेशन उसको रेगुलेट करती है, उसका ध्यान रखती है और नियम कानून उसके लिए तैयार करती है और उस पर नजर रखती है इंस्टीट्यूशन। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग इसके पीछे एक इंस्टीट्यूशन है जो इसके इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। तो दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास, अब आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें FCRA के बारे में तो इसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो कि 2010 में हमारी कंट्री में आया ये क्या करती है कि भी जितनी भी एनजीओ इंस्टीट्यूशन जर्नल पब्लिक सर्वेंट और जो भी जो बाहर से उनके लिए कोई कंट्रीब्यूशन आता है यानी कि आप ये बोल सकते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन इसके पास जो आता है उसको रेगुलेट करने की ये एक एजेंसी है जो कि काम करती है। अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका मतलब इसकी जो मीनिंग होती है कोई भी डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर ठीक है जो भी हमें फॉरेन सोर्स से जब हम रिसीव होती है उसे हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो, जिसके अंदर कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कोई करेंसी हो सकती है मतलब दूसरी कंट्री की, या फिर कोई सिक्योरिटी पेपर कुछ और भी चीजें हो सकती है। ठीक है, ये बाहर की जो कोई भी चीजें जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो यानी कि बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में जब आती है तो उसके लिए रेगुलेट करने का ये काम करती है,
ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया था कि नीति आयोग इंस्टीट्यूशन है जो इसकी इंप्लीमेंटेशन का काम करती है, जो कि गलत है। इसे नीति आयोग नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डील करती है इसके रिगार्डिंग में, और वो इसके इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा हो गया गलत, यानी कि नीति आयोग नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डील करती है इसको इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वैगन ट्रेजेडी। वैगन ट्रेजेडी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैगन ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कौन से इंसिडेंट से ये रिलेटेड है, ये एसोसिएटेड है, आपको बताना है वैगन ट्रेजेडी के बारे में। और तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि कोमतगरु इंसिडेंट से उससे रिलेटेड है ये वैगन ट्रेजेडी। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है मोपला रिवेलियन जो हुआ था उससे रिलेटेड है ये वैगन ट्रेजेडी। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि अलीगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हुई थी उससे डील करता है या उससे रिलेटेड है वैगन ट्रेजेडी। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि काकोरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी कंट्री में हुई थी जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हुआ था हमारी कंट्री के अंदर, तो उससे रिलेटेड है वैगन ट्रेजेडी। तो ये चार ऑप्शन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें वो आपका ऑप्शन बी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका बी, यानी कि मोलाफ रिवेलियन जो हमारी कंट्री के अंदर केरला के अंदर जब ये हुआ था उससे रिलेटेड है ये इंसिडेंट। अब इसमें हुआ क्या था इसके बारे में बताता हूं। हमारी कंट्री में जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, यानी कि आप ये बोल सकते खिलाफत एग्रीगेशन जब हमारी कंट्री में हो रहा था, या फिर आप बोल सकते हो जब महात्मा गांधी ने जो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था कांग्रेस के अंडर लीड करते हुए 1920 में, उसी के अराउंड में केरला के अंदर भी एक मूवमेंट चल रहा था इसी तरह के एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चल रहा था, जिसके अंदर जिसको जो कि रीजन है केरला के अंदर मालाबार रीजन है, उस एरिया में मुस्लिम लोग आंदोलन कर रहे थे, और जिस एरिया में आंदोलन कर रहे थे वो मालाबार रीजन जो कि केरला जो कि हमारी कंट्री के साउदर्न एरिया है, वहां पे ये रिवोल्ट ये हो रहा था कि आजादी के लिए जो अलग अलग रीजनल लेवल पे जो भी फाइट चल रही थी हमारी हमारी कंट्री के अंदर के अंग्रेजों के साथ, उसे बाहर निकाले उसी के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारी कंट्री वो भी इससे रिलेटेड अपना मतलब एफर्ट लगा रहे थे, उसी में उन लोगों को पकड़ के जेल लेके जाया जा रहा था, और फिर उसे ट्रेन के अंदर डाला जा रहा था। जब ट्रेन के अंदर उनको जेल के अंदर बाकी सजा के लिए और जब दूसरी जगह लेके जा रहा था, नवंबर 1921 की बात हो, तो 67 प्रिजनर को जब लेके जा रहा था, यानी कि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनको जब लेके जा रहा था, जिस ट्रेन में रखा गया था, यानी कि आप पिक्चर से देख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब इस कैपेसिटी से भी ज्यादा लोगों को इसके अंदर डाल के भर के लेके जाया जा रहा था, तो सफोकेशन की वजह से इन सबकी इसी के अंदर डेथ हो गई। यानी कि तिरूर जो कि केरला के अंदर तिरूर से जो प्रिजनर को पोंडोनूर जब लेके जाया जा रहा था उस टाइम इनकी मौत हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी, तो जिसे वैगन ट्रेजेडी भी बोला जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि मोलाफा रिवेलियन जब हमारी कंट्री में केरला के अंदर हुआ था उससे ये एसोसिएटेड है, और ये किस टाइम हुआ था, 1920 और 21 के पीरियड के टाइम जब हमारी कंट्री में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत एग्रीगेशन जब हो रहा था उस टाइम पीरियड के आसपास ही ये एक्टिविटी यानी कि ये ट्रेजेडी भी हुई थी, जो कि नवंबर 21 में 67 प्रिजनर की डेथ हो गई थी जो कि हमारे कंट्री में फ्रीडम फाइटर थे, उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि बिल्कुल अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले की बात है, किसी की डेथ हो गई थी, उस पर्सन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाया है, और ये क्वेश्चन पॉलिटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के साथ साथ आपका ये करंट अफेयर दोनों को मर्ज करके ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है मैंने। देखिए क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो स्टेटमेंट वन में आपसे पूछा जा बताया जा रहा है इट वॉज प्रोनाउंड इन द फेमस मेनका गांधी केस, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री में आया था वो मेनका गांधी का एक जो फेमस केस था वहां से निकल के आया, ये आपसे स्टेटमेंट वन में बोला जा रहा है। स्टेटमेंट टू में आपसे बोला जा रहा है द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज बीन मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर जो पार्ट 3 के अंदर इसे मेंशन किया गया था कि हमारी कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट
सेकंड के अंदर। तो दो स्टेटमेंट है, अब आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए के अंदर बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए ऑप्शन चूज करिए अपने अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो थ्योरी और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो आपको दिया गया है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, यानी कि इसका मेनका गांधी से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि अभी आपने सुना होगा कि हमारी कंट्री के अंदर ये जो पिक्चर है, ये हमारी कंट्री में केशवानंद भारती जी की ये पिक्चर है, जो कि केरला, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस केशवानंद भारती का जो केस था, बड़ा फेमस केस था हमारी कंट्री के अंदर, उस केस के बाद हमारी कंट्री में थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को हमारी कंट्री में पहले मतलब इनिशियल स्टेज पे नहीं था हमारी कंट्री के अंदर, इसे बाद में जब केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला का जब केस आया था उसके बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। यानी कि आप ये जो बोला जा रहा आपसे सेकंड स्टेटमेंट, जिसमें ये बोला गया आपसे कि भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ऑलरेडी मेंशन है, नहीं, ये बात गलत है, मेंशन नहीं था, बल्कि ये जुडिशियल इंटरवेंशन के बाद इसे ऐड किया गया कि हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया इस हिसाब से, और फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, ये मेनका गांधी के केस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका केशवानंद भारती जी के केस से लेना है। अच्छा, क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले इनकी डेथ हुई है, जिस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन हमारी कंट्री में लेके आए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। डी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, अच्छा, आज आपके लिए जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन आपके लिए दो क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर वन तो आपके लिए ये है, आपको ये बताना है ये जो केस है, केशवानंद भारती केस है, ये कब आया था, यानी कि वेन, यानी कि आपको ये बताना है ये केस कब, कौन सी साल में ये केस आया था, इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन नंबर वन है आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर टू आपके लिए ये है कि जब मैंने आपको बाल्टिक सी के बारे में बताया था, जो रशिया और जर्मनी के बीच में जो पाइपलाइन के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि बाल्टिक सी के रीजन को के आसपास जितनी भी कंट्री है, यानी कि वो सारी कंट्री जो बाल्टिक सी को शेयर करते हैं बाउंड्री, उन कंट्री का आपको नाम बताना है, सारी कंट्री का नाम बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर टू है आपके लिए। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, जितने भी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके आपके लिए अच्छे कंटेंट ला सको। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर आप सोशल मीडिया में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी रिवीजन के लिए और भी वीडियो आप देख सकते हैं, टेलीग्राम में भी इसका लिंक मैंने दे दिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन इस YouTube चैनल पर। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।